हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे कच्चे चावल से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कप चावल लिया है। चावल को हमने 2 घंटे के लिए पानी में भिगोने के लिए छोड़ दिया था। तो अब 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसमें से पानी निकाल देंगे। तो इसमें से हमने पानी निकाल दिया है, अब इसे हम पीस लेंगे। तो इसे पीसने के लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे। अब इस जार में चावल को डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए, इसे हमने पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कच्चा आलू। आलू को छीलकर हमने कद्दूकस कर लिया है और ये काला ना पड़े इसीलिए इसे हमने पानी में रखा हुआ था। इसका पानी हमने अच्छी तरह से निचोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 गाजर, इसे भी हमने कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल देंगे, इसे भी हमने बारीक से काट लिया है। 1 बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसके जगह पर आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, इसे भी मिला देंगे। तो इसे हमने मिला लिया है। गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल को अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इसमें इसे डाल देंगे, इसे इस तरह से थोड़ा फैला देंगे। बड़ा या छोटा आप अपने अनुसार बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अब इसे ढक देंगे और ढक करके इसे 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अब इसे पलट देंगे। फिर से इसे ढक देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे लो टू मीडियम आंच पे। तो अब 4 मिनट हो चुके हैं। फिर से इसे पलट देंगे। तो अब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। निकालकर इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। फिर से इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। गैस यहाँ पर मीडियम रखेंगे। अब इसमें इसे डाल देंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसी तरह हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।